Assalamualaikum. I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gohar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Kids, आज हम स्टार्ट करेंगे गौहर इंग्लिश टेक्स्ट बुक ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 12 जिसका नाम है डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सो लेट्स सी कि ये स्टोरी हमें क्या बताती है. द चोलिस्तान डेजर्ट, सहराए चोलिस्तान. द चोलिस्तान डेजर्ट इज लोकली नोन एज रोही. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड लार्जेस्ट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ लोकेटेड इन द सराउंडिंग्स ऑफ बहावलपुर. सहराए चोलिस्तान को मकामी तौर पर रोही कहा जाता है. ये पाकिस्तान के मशहूर और बड़े सहराओं में से एक है. ये बहावलपुर के गिरदोनवा में वाकया है. द चोलिस्तान इज नोन फॉर इट्स लोकली प्रोड्यूस्ड कॉटन एंड वुल प्रोडक्ट्स, हैंड वोवन ब्लैंकेट्स एंड रग्स. चोलिस्तान को मकामी तौर पर तैयार करदा कपास और इसकी मसनूआत जिसमें हाथ से बने हुए कंबल और कालीन शामिल हैं उनसे जाना जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी आइटम्स मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर. सोने और चांदी से बने हुए मुख्तलिफ किस्म के जेवरात भी यहाँ बहुत मशहूर हैं. अ वैरायटी ऑफ हैंड क्राफ्टेड चोलिस्तानी खुस्साज आर वेरी फेमस. चोलिस्तान में चोलिस्तानी तरीके से तैयार करदे खुस्से भी यहाँ पर बहुत मशहूर हैं. सम ऑफ द अमेजिंग वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन दिस डेजर्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट कैट, नीलगाई, एंटलोप, ब्लैक बक, कोबरा, फाल्कन एट्सेट्रा. इस सहरा में जंगली हयात की कुछ हैरत अंगेज इकसाम हैं जिनमें जंगली बिल्ली, नीलगी हिरन, काला हिरन, कोबरा, फाल्कन वगैरह शामिल हैं. द हिस्टोरिकल दिरावर फोर्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट. इट इज सेंचुरीज ओल्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड नियर बहावलपुर. तारीखी दिरावर किला भी सहराए चोलिस्तान का एक हिस्सा है. ये सदियों पुराना ढांचा है जो कि बहावलपुर के करीब वाकया है. लेट्स मूव टू पेज 128. यहाँ पे हम बात करेंगे थल डेजर्ट की. थल डेजर्ट यानी सहराए थल. द थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन द झंग डिस्ट्रिक्ट. इट इज़ नियर 305 किलोमीटर्स इन लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. सहराए थल झंग जिला में वाकया है. शुमाल से जनूब तक इसकी लंबाई 305 किलोमीटर के करीब है. देर आर मोस्ट अमेजिंग व्यूज ऑफ सैंड ड्यून्स इन दिस डेजर्ट. विंड साइक्लोन्स आर ऑल्सो अ कॉमन अकरेंस इन द डेजर्ट. इस सहरा में रेत के टीलों के इंतहाई हैरत अंगेज नज़ारे हैं. रेगिस्तान में हवा के तूफान का आना भी एक आम वाकया है. दिस डेजर्ट इज़ नॉट अ बैरन वेस्टलैंड एट ऑल. इट इज़ कवर्ड विद लश ग्रीन वेजिटेशन ड्यूरिंग फेब्रुअरी एंड मार्च. ये सहरा हरगिज बंजर नहीं है. ये फरवरी और मार्च के दौरान सरसब्ज़ो शादाब पौधों से ढका रहता है. द लोकल फार्मर्स यूज़ द डेजर्ट लैंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ हरा छोलिया विच इज़ ग्रीन चिकपीस. द ग्रेटर थल कनाल इज़ ऑल्सो इन दिस एरिया. मकामी किसान सहराई ज़मीन को हरा छोलिया यानी सब्ज चने की काश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं. ग्रेटर थल कनाल भी इसी इलाके में है. द लास्ट वन इज़ द खारान डेजर्ट यानी सहराए खारान. द खारान डेजर्ट इज़ अमंगस्ट द मोस्ट फेमस एंड लार्जेस्ट डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान. सहराए खारान का शुमार पाकिस्तान के मशहूर और बड़े सहराओं में होता है. इट इज़ इन बलोचिस्तान प्रोविंस. ये सूबा बलोचिस्तान में वाकया है. इट्स एरिया इज़ ऑफ 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 0.23 मिलियन. इसका रकबा 20,000 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी 0.23 मिलियन है. इट एक्सटेंड्स ऑल द वे इनटू द ईरानियन टेरिटरी. ये तमाम रास्ते ईरानी इलाके तक फैला हुआ है. कैमल्स एंड गोट्स आर द एनिमल्स फाउंड इन दिस एरिया. ऊंट और बकरे इस इलाके में पाए जाते हैं. आई होप आपको अब पाकिस्तानी सहराओं के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी और मैं चाहूँगी कि आप अपनी नोटबुक्स में इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को समराइज करके लिखें. मुझे इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए. दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफिज़.